बताएंगे क्या लग रहा है राहुल गांधी मोदी जी किसका जादू चलने वाला जादू चलेगा राहुल का अब राहुल का जादू चलेगा राहुल का चलेगा कैसे चलेगा दो साल की सजा हो गई अरे सजा होगी तो क्या सजा तो चलती रहती है उसमें क्या आदमी जाता आता है उसमें को जेल हो गई तो अरे जेल होगी तो क्या जेल में ही रहेगा वो बाहर नहीं आएगा ऐसे कितने जाते हैं जेल तो नहीं लड़ पाएंगे चर्चाएं चल रही हैं क्या थोड़ा इधर भी चुनाव नहीं लड़ अरे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लेकिन वोट तो अगले का पड़ेगा सरकार में सारी जनता वोट तो डालेगी वही तो नहीं लड़ जुड़ जाएगी है जनता जुड़ेगी राहुल जनता तो उसके फेवर में है कितना साल हुआ भारत जोड़ो यात्रा का अरे सारे जनता 80% उसके फेवर में है बीजेपी तो बस बीजेपी गई कोई नहीं बीजेपी कुछ नहीं होगा इसने भ्रष्टाचार के अलावा करा क्या है जो उसकी बढ़ाई कर रहे हैं वो फार्मूला दिखाएं क्या फार्मूला है उसका भाई उसका ये तो दिखाओ हाँ भाई इसने ये तो रहे गारंटी है गारंटी दे तो रहे मोदी जी कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिसने देश को लूटा उसका हिसाब होगा लूट रहा वो खुद ही लूट रहा तो भ्रष्टाचार किस पे करेगा आरोप किस पे लगाएगा जो भ्रष्टाचार होगा वो आरोप किस पे लगाएगा क्या जो भ्रष्टाचार है जो वो उसमें किस पे लगाएगा आरोप चोरी राहुल गांधी अपमान कर देते हैं देखिए विदेश जाते हैं देश का अपमान कराते हैं विदेश नहीं जाते वो तो उड़ाने वाले उड़ाते हैं लेकिन कोई अपने देश की तो मोदी का भी अपमान कर दिया ना बताइए मोदियों को चोर बोल रहे हैं सजा भी मिल गई जो अपमान वाला होगा उसका अपमान होगा जो सम्मान वाला होगा उसका सम्मान होगा इसमें राहुल गांधी कभी ट्रक की सवारी कर रहे हैं कभी किसानों के बीच जा रहे हैं असर हो पाएगा कुछ 24 में इसका जो जनता से मिल क्यों नहीं हो पाएगा परिवर्तन हो जाएगा अब की बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा ऊपर से नीचे पूरी सरकार पलट देंगे पूरी सरकार पलट डबल इंजन सरकार अच्छी नहीं लग रही नहीं लग रही बिल्कुल नहीं लग रही डबल इंजन सरकार क्योंकि इतनी बेरोजगारी है इतनी बेरोजगारी बेरोजगारी से हम सब लोग परेशान है नौजवान है इतने यहाँ जितने भी खड़े सब मोदी जी की गारंटी आपको अच्छी नहीं लग रही कि भ्रष्टाचारियों का इलाज हो नहीं होगा मोदी जी की योगी सरकार में मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का तो खैर इलाज हो रहा है मगर उनके कार्य है ना वो अच्छे नहीं लग रहे कुछ ठीक है ना उनके कार्य अच्छे नहीं लग रहे भ्रष्टाचार का मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे राहुल गांधी जो जा रहे हैं जगह जगह कुछ हो भी पाएगा इसका सर बिल्कुल खोलेंगे और खुल गई अब की बार परिवर्तन चाहिए गठबंधन आएगा खुल गई अब की बार क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर ठीक है और लोगों से बात कर लेते हैं आंटी हमारे साथ उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे आप पहले तो आपको बीजेपी सरकार कैसी लगी महंगाई की मार आप पर कितनी पड़ रही है देखिए नॉर्मल लोगों के लिए महंगाई की मार बहुत है ठीक है जो मीडियम लोग हैं उनके लिए भी लीगली मतलब इक्वल इक्वल है देखो जो करोड़ कमा रहा है उसके लिए तो ये नामुमकिन है मतलब ये नॉर्मल ही है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं महंगाई लेकिन जो बेचारा रोज का 300 रुपये कमाने वाला है जो रोज का 400 रुपये कमाने वाला है उसके लिए ये बहुत भारी है ये राशन का कोई भी सामान ले लो आप उसमें महंगाई ही है ये है कि योगी सरकार की और मोदी सरकार की मैं इतनी वाहवाह करती हूँ बस एक महंगाई की वजह से हम मार खा रहे हैं गरीब लोग क्योंकि देखो मतलब महंगाई से दिक्कत है वरना बाकी काम अच्छे बाकी बहुत काम अच्छे हैं लेडीज़ों की आ रहे भैया बात कर लेते हैं लेडीज़ों की सुरक्षा है और कानून का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है सब चीज़ में व्यवस्था अच्छी है एक सरकार अगर महंगाई क्यों बढ़ रही है महंगाई क्यों नहीं कम कर पा रही सरकार बस यही एक टॉपिक है कि महंगाई अगर कम कर दे तो बेचारे गरीब लोगों का भी भला हो जाए अगर मैंने गलत गरीबों के अच्छे दिन कहाँ गए के लिए गलत हो जाए गरीबों के अच्छे दिन कहाँ गए जिसका वादा सरकार कर रही थी वो तो देखो सरकार ही बताएगी हम तो नहीं बता सकते इस बारे में आपके मन में क्या चल रहा है कि सरकार कैसी है सरकार अच्छी है सरकार के लिए हम ये नहीं कह सकते देखो अब ये तो है नहीं ये सामान सरकार सब सरकार ही बना करके भेज रही है आगे बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूट हैं जितने भी व्यापार करने वाले अपने अपना प्रॉफिट लेकर के चलते हैं तब जा कर के आगे ये महंगाई सामान आगे आती है ठीक है ना हम तो ये चाहते हैं कि लीगली छेल लीजिए थोड़ी बहुत महंगाई अगर है भी तो दिक्कत क्या है महंगाई अगर दिक्कत है तो सैलरी बढ़ा दीजिए लोग बागों की लीगली सैलरी जो मिनिमम 10,000 है 15,000 कर दो नॉर्मली कंपनी से बात करो नॉर्मली लोगों की 15,000 रुपए जो है 8-9,000 की जो 8-9 घंटे काम करते हैं उनकी लीगली 12 से या 15 तक तो कर ही दो बस इतना ही कहना है मुझे सरकार से और कुछ नहीं कहना है क्या क्या आपने स्टडी क्या की हुई है क्या काम करते हैं पहले तो ये जान लेते हैं
जी देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट लाइन का काम करना चाहे कोई भी कर सकते हैं। मैं केयर टेकिंग का काम करती हूँ। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम गायत्री सैनी है। क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? देखो, केयर टेकिंग में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, नॉलेज बहुत अच्छी है। नॉलेज देख कर ही मैं बातचीत कर रही थी आपसे, तभी मैंने पूछा कि क्या काम, क्या पढ़ाई आपने? मैंने इंटर किया है। इंटर किया है? सरकार में नया क्या देख पा रहे हैं आप? सरकार में नया जगह जगह ये जो सुविधाएं कर रही हैं वो सब अच्छा है, ठीक है। जो लेडीजों के लिए किया है, जो सुरक्षा की है, जो पुलिस कर्मियों में आगे जनसंख्या बढ़ा दी है, वो भी अच्छा है। लेकिन आपने इंटर किया है, तमाम लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, युवा बच्चे आज के, नौकरियां नहीं मिल पा रही उन लोगों को, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई देखो, नौकरी नहीं है तो ये सो, भाई देखो जैसे कि जॉब है, जॉब जितनी अवेलेबल होगी उतनी ही तो लोग कर पाएंगे। जितने जॉब अवेलेबल होते उन लोगों को मिल जाती, जिनके लिए नहीं होते वो घर बैठा। तो कहा था कि कई लाख नौकरियां देंगे, कई करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल नौकरी देंगे, ये वादे कहाँ चले? देखो, वादा उन्होंने किया है तो जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। मैं तो सरकार से पूछ सकती हूँ, देखो सबको नौकरी मिलनी चाहिए। आप पूछना चाहें सरकार से 9 साल का हिसाब किताब, क्या क्या सवाल रखेंगे, आप क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, सवाल मैं एक अकेली क्या पूछूंगी? देखो, जो उन्होंने वादे किए बस पूरे कर दे, वही अच्छा है, बस इतना। सबसे बड़ा वादा जो आपको प्रभावित किया, जो आपको अच्छा लगा और पूरा नहीं हुआ? देखिए, एक रोजगार का ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि घर देखो, गृहस्थी एक रोजगार से ही चलती है। अगर रोजगार सही है तो गृहस्थी भी सही है, बस महंगाई कम हो जाए, रोजगार बढ़े। अगर कि हम टमाटर प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, हम उनके किचन में जाकर चेक नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी को थैंक यू बोलो, तो आपने थैंक यू बोला क्या मोदी को? देखो, मोदी जी को थैंक यू हर चीज के लिए है, लेकिन जो अपना वादा पूरा करे, और भी थैंक यू है बस। मतलब अगर वादे, यहाँ पीछे से कुछ कुछ बोल गए भैया, याद दिला रहे थे, कह रहे हैं कि अगर तमाम वादों को पूरा कर लिया जाए तो मोदी सरकार अच्छी है। महिला हमसे बात कर रही थी।